हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ऑल इन वन चैनल और आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। अभी जो आप ये मॉडल देख रहे हैं वो 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। सच में इंटीरियर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। इसमें आपको तीन बटन मिलेंगे, लॉक के लिए, अनलॉक और एक लाइट के लिए। और इसमें आपको फिजिकली की मिलेगी, स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा उसको। उसके लिए आपको टॉप एंड की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इग्निशन ऑन कर देते हैं। तो देखिए आपको जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा वो आपको एनालॉग ही मिलेगा, डिजिटल नहीं मिलेगा। और इसमें इसके बीच में आपको छोटी सी MID दी गई है। और इसमें देखिए आपको इको मोड का भी ऑप्शन आता है। देखिए एक आ गया, जब भी हम ये बटन प्रेस करेंगे ना, तो चलिए इसमें राइट साइड जो दिया गया है वो स्पीडोमीटर है और लेफ्ट साइड है वो RPM के लिए। तो चलिए अब इग्निशन बंद करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आपको इसमें डिकट स्टीयरिंग दिया गया है और बीच में टाटा का लोगो है। और यहाँ पर ही आपको एयरबैग मिलेगा। इसमें आपको दो एयरबैग मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा और दूसरा इस साइड मिलेगा। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जो USB कनेक्ट के लिए, ब्लूटूथ से, और वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए और कॉल रिसीव कट करने के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बीच में भी MID दी गई है, छोटी सी MID है। और यहाँ पे बीच में आपको 1000 लाइट दी गई है। और नीचे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, फिर वॉल्यूम के लिए, सॉन्ग चेंज करनी है, वो सब कुछ दिया गया है। और उसके नीचे जो दिया गया है वो AC। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये ऑटो नहीं है लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये जो है 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको तीन अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेगा। देखिए इसका जो टेक्सचर है ना वो अलग अलग है। देखिए यह भी अलग है, यह भी अलग है, और इसके नीचे का वो भी अलग है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखिए और आपको यहाँ पे AC के लिए 4 विंडो दी गई है, दो साइड में और दो बीच में। यहाँ पे AC के जो नॉर्मल कंट्रोल आते हैं वही है। और नीचे आपको यहाँ पे USB के लिए पोर्ट दिया गया है और एक चार्जिंग के लिए। यहाँ पे बीच में कुछ जगह दी गई है चीज़ें रखने के लिए। ये बोटल्स के लिए कप होल्डर है, ये हैंड रैक। और नीचे की साइड देखिए, यहाँ पे ये जगह दी गई है। देखिए रेस्ट के लिए दी गई है। और अब देखिए हम इसके दरवाजे पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉक, यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो साइड के दोनों मिरर को कंट्रोल करने के लिए, लेफ्ट या राइट के लिए, ये पीछे की विंडो के लिए है। यहाँ पे भी देखिए डिज़ाइन दिया गया है, का टेक्सचर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 लीटर बोतल के लिए है और एक अम्ब्रेला के लिए भी है। देखिए यहाँ पे अम्ब्रेला रखने के लिए भी ऑप्शन मिला आपको। और इसमें आपको यहाँ पे दो ट्विटर मिलेंगे, इधर और इससे। और स्पीकर नीचे मिलेगा, चारों दरवाजे में एक एक स्पीकर मिलेगा।
और इसमें जो आपको शीट्स मिलेगी वो फैब्रिक मिलेगी, लेकिन इस पर अलग से कलर ये जो कवर है वो डलवाया हुआ है। सच में भाई इंटीरियर काफ़ी बढ़िया लग रहा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको आवाज़ के लिए एक स्पीकर दिया गया है, आवाज़ कैप्चर करने के लिए लाइट दिया गया है, ये सनलाइट के लिए भी दिया गया है, सनसेट दी गई है, सभी से साइड एक एक हैंडल भी दिया गया है। तो चलिए अब मैं पीछे की सीट पे चलता हूँ। तो चलिए हम अब पीछे की सीट पे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी स्पीकर दिए गए हैं और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए कोई पोर्ट नहीं मिलेगा, बस नॉर्मल सी थोड़ी सी जगह है। यहाँ पे भी आपको बोतल के लिए जगह मिलेगा और इसमें चाइल्ड लॉक के लिए भी ऑप्शन मिलेगा ISO फिक्स। यहाँ पे आपको जो आगे वाली सीट से उसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, लेकिन पीछे की सीट पे नहीं मिलेगा, वो आपको टॉप एंड की तरफ जाना पड़ेगा। और इसका जो एक्सटीरियर का वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कौन से मॉडल का कितना प्राइस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देख लीजिए भाई सच में काफ़ी बढ़िया है। एक बार मैं आपको फिर से सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। और इसमें आपको रिवोल्ट्रॉन का इंजन मिलेगा। तो चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।